नमस्कार जी, राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं लुभावन जोशी। बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में इन दिनों शहीद वीरांगनाओं को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विभिन्न मांगों पर चल रहा वीरांगनाओं का धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर बयानबाजी और वार पलटवार अब भी जारी है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से विधानसभा में शहीद वीरांगना और किरोड़ी लाल मीणा पर दिए गए बयान पर जमकर हंगामा हुआ। ओसियां से विधायक दिव्या मदेणा ने तल्ख लहजे में धारीवाल को जवाब दिया। दिव्या के इस बयान की काफ़ी चर्चा भी हो रही है। अब इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया है। खाचरियावास ने दिव्या मदेणा के बयान का समर्थन किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में संबोधन के दौरान पुलवामा हमले के शहीद रोहितास लांबा की वीरांगना के देवर के नाते जाने का दावा किया। अब आपको धारीवाल के वो शब्द बताते हैं जो उन्होंने सदन में कहे। धारीवाल ने कहा कि रोहितास लांबा की पत्नी का देवर पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो उसके नाते चली गई है और नाते जाकर कहती है कि मेरे देवर को नौकरी दो। धारीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर भी सवाल उठाए। धारीवाल ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने किरोड़ी के धरने पर बयान देते हुए कहा कि राजनीति में रुचि लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किरोड़ी लाल किस प्रकार का कृत्य करते हैं, वह किसी आतंकी कृत्य से कम नहीं होता। अब आप भी सुनिए कि धारीवाल ने पूरे मामले पर क्या कहा। आप कहते हैं कि साहब आतंकित करने की कोशिश की, राजनीति में रुचि लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किरोड़ी लाल जी जिस प्रकार का कृत्य करते हैं वो किसी आतंकित से कम नहीं होता। धारीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने तो सख्त लहजे में विरोध जताया ही, लेकिन ओसियां विधायक दिव्या मदेणा के बयान की सबसे ज्यादा चर्चा रही। दिव्या मदेणा ने धारीवाल के बयान का विरोध करते हुए कहा कि जाट समाज की बेटी को नाते के नाम से चरित्र हनन करना ठीक नहीं है। गुर्जर, मीणा और जाट, ये हमारे कांग्रेस के वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री के आतंकी कहने वाले बयान का उन्होंने विरोध किया तो मेरे इलाके की 44 सड़कों को रातों रात रद्द कर दिया गया। आप भी सुनिए दिव्या मदेणा का पूरा बयान। आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया? आप कहिए कि उन्होंने बैन हैंडलिंग हुई, कांच फोड़े, ये किए, आतंकी के समान कैसे कह देंगे? और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन उन्होंने हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया? ये कौन सा उदाहरण हम सेट करेंगे? मैं अर्ज में इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे को। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं इस पे इतना मत इतराइए, ये भी उधार की है, ये भी उधार की है। और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते। दिव्या मदेणा के इस बयान का प्रताप सिंह खाचरियावास ने समर्थन किया। खाचरियावास ने कहा कि दिव्या मदेणा अच्छा बोलती हैं, अगर वो मुद्दे उठाती हैं तो सोच समझ कर उठाती हैं। दिव्या मदेणा दम से लड़ रही हैं, खुलकर बोल रही हैं। प्रताप सिंह ने कहा कि दिव्या मदेणा की कोई सड़क अगर निरस्त हुई है तो वे खुद सीएम से बात करेंगे, मंत्री शांति धारीवाल से भी बात करेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। ऐसा कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। खाचरियावास ने आगे कहा कि यदि उन्होंने सदन में ये बात उठाई है तो मंत्री की जिम्मेदारी है कि वे सदन में इसका जवाब दें। पुलवामा धरने के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत वार पलटवार पर पहुंच गई है। दिव्या मदेणा ने कहा कि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि धारीवाल के बयान का कितना असर पड़ता है। वहीं आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।